हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। जैसा आपके सामने है, विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा आईपीओ की अनाउंसमेंट की गई है। तो आज हम इस कंपनी की बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में ऐसे आईपीओ इन्वेस्ट करते हो या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है वो आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करना, तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा जो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2015 में, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है एयरपोर्ट में, स्मार्ट सिटी में, इरिगेशन में, बिल्डिंग में, कई तरह की फैक्ट्री में, रेलवे में। जी हाँ, इनका मेन काम है मशीनों की मरम्मत करना, उनका व्यापार करना और उन्हें रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करना। जी हाँ, और बात करें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की, मार्च 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इनके परमानेंट एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है वो 227, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 763 के करीब है, जिनमें कई तरह के पर्सन या कई तरह की अगर बात करें ऑपरेशन इंक्लूड है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ, और कंपनी के पास अगर डाटा की बात करें रोड कंस्ट्रक्शन की, तो वो है 326 के करीब, जिसका डाटा नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग। जी, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट आते हैं आईपीओ पर। आईपीओ की जो प्राइस रेंज फिक्स की है 155 रुपये से लेके 163 रुपये तक। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है क्वांटिटी पे। मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 800, उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 1,24,000 और मैक्सिमम 1,30,400। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो? 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। टाइमिंग जो दिया है सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। अगर शेयर आपको मिलते हैं तो उसका अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 11 सितंबर तक। ना मिलने पर शेयर जो रिटर्न होगा आपका अमाउंट वो होगा 12 सितंबर तक, और शेयर मिलने पर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 12 सितंबर तक और उनकी लिस्टिंग होगी 13 सितंबर तक। तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद ये प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप किसी कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करो तो प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड आउट करो, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल थिंग्स आपको मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। उसके बाद ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें आप कंपनी के बारे में जो भी ये प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट और इन्वेस्टर के बारे में बाकी की जो भी डिटेल है आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। जी, तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।